से जब इंसान मरता है वो सीधा कयामत में नहीं पहुंचता है, कयामत तो जब आएगी उसके लिए बड़ा टाइम है। हालांकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर जो आने वाली चीज होती है उसको कल से ताबीर किया जाता है, लेकिन वो कल जब ही आएगा वो उसी के लिए कम टाइम, जिसने अपने आमाल को नेक बनाया होगा, अपनी जिंदगी को दीन की जिंदगी पे चलाया होगा, उसी के लिए वो टाइम कम है। वरना वो सिजदे का ठिकाना है और इंतजार की घड़ियों के सिवा कुछ भी पल नहीं पड़ना है। मेरे भाइयों, अपने दीन की फिक्र करें, अपनी मौत की मौत को याद रखें, अपने आबा और अजदाद जितने भी रिश्तेदार गुजर चुके हैं उनकी कब्र की जियारत किया करें। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं वल अस्र, मुझे कसम है जमाने की, अल्लाह तबारक व तआला को कसम खाने की क्या जरूरत थी, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला पाक में कई जगह कसम खाई है, उन्हीं में से एक है सूरत वल अस्र। फरमाते हैं कसम है मुझे जमाने की, बेशक इंसान घाटे और खसारे में, अल्लाह तबारक व तआला खुद कसम खाकर कह रहे हैं। हम लोग अगर एक दूसरे को यकीन दिलाना चाहते हैं क्या करते हैं, कसम खाते हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला खुद कसम खा रहे हैं। हालांकि उनको कसम खाने की क्या जरूरत पेश आई, वो तो ऐसे भी कह रहे तो वो तो सब उनको पता चल जाएंगे हकीकत है। अल्लाह तबारक फिर भी कसम खाकर कह रहे हैं कि इंसान लफी दूसर, बेशक इंसान घाटे और खसारे में है, मगर वो लोग जिन्होंने नेक आमाल किए और ईमान लाए, सिर्फ वही लोग इस घाटे और खसारे से निकल पाएंगे। तो समझने की बात यह है कि इंसान का घाटा और खसारा सबसे ज्यादा है। अगर अपने आप को बचाने की कोशिश ना करे, हर कदम फूंक फूंक कर ना रखे, तो इंसान कहीं का नहीं रहने वाला है। मेरे भाइयों, जिंदगी में जो अपने आखिरत की तरफ अपने आखिरत को बचाने की फिक्र करेगा, उसी को मौत के वक्त करना भी नसीब होगा। इंसान की जिंदगी मैटर नहीं करती है कि उसने किस हालत में जिंदगी गुजारी, हालांकि उसका किरदार बहुत ज्यादा होता है, लेकिन हकीकत तो यह है कि उसकी मौत किस हाल में आती है और उसका दारोमदार उसकी जिंदगी पर भी होता है। जिस हिसाब से उसने जिंदगी गुजारी होगी उसी हिसाब से उसकी मौत भी आएगी। अगर जिंदगी को निर्धारण बनाया होगा तो उसकी मौत नेक हो सकती है, लेकिन अगर जिंदगी खराब होगी तो कोई गारंटी नहीं उसको मौत सही आए। कई वाक्यात ऐसे आए हैं कि बहुत बनी इसराइल के, क्योंकि उसमें नबी भी बहुत ज्यादा आए थे, नेक भी लोग बहुत ज्यादा थे और बुराइयां भी उन लोगों में बहुत ज्यादा होती थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जब तक मैं सारे अमल मेरी उम्मत में भी आ जाएगी तब तक कयामत नहीं आ सकती। तो इसका मतलब हमारी उम्मत में भी वो सारा कुछ हो सकता है। उस उम्मत में क्या हुआ था, कई लोग ऐसे आए थे 70-70 साल 80-80 साल इबादतें की थी, लेकिन उनकी मौत कुफर में आई थी। क्यों? उनके अंदर तड़प नहीं थी दीन को सीखने की, दीन पर चलने की, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों पर चलने की। जब तड़प इंसान के अंदर होती है, अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए रास्ते भी खोल देते हैं, उसके लिए मंजिलें भी बना देते हैं। तो तड़प हमने अपने अंदर रखनी है, तड़प के साथ हमने मेहनत भी करनी है। ये दुनिया कब तक हमारा साथ देगी, ये सांसें जब तक हमारी चल रही है इनको कीमती बनाए। हमारी जिंदगियां जो है आज अक्सर म्यूजिक से भरी पड़ी है, म्यूजिक के सिवा में कुछ नहीं दिखता। कोई भी देखो कहीं भी थोड़ा डिप्रेशन में म्यूजिक चला दिया, गाड़ी चला रहा है म्यूजिक चला दिया, कहीं भी जा रहा है म्यूजिक चला हुआ है, कानों में वो लगे वो म्यूजिक चल रहा है। क्या हम उसके बदले में उनका सही इस्तेमाल नहीं कर सकते? हम ऐसे तो दीन सीखते नहीं कि हम बयानात लगाकर किसी मुहाकिक आलिम जिसका बयान सुना जा सकता हो उसका बयान सुनकर अपनी जिंदगी को सही नहज पर नहीं ले जा सकते। मेरे भाइयों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद है कि जिस शख्स की मौत जिस हालत में आएगी कयामत के दिन उसी हालत में उठाया जाएगा। इसलिए अपनी जिंदगी को जिंदगियों को सही रास्ते पर लाए, अपनी मौत की फिक्र करें और खासकर अपने अपने घरों को दीनदार बनाए, अपनी औरतों को दीन सिखाए, क्योंकि फरमाते हैं अगर घर की एक औरत दीनदार होगी उसका असर 7 नस्लों तक उसकी दीनदारी का रहता है, लेकिन अगर एक औरत बुरी होती है उसका उसकी बुराई का असर भी 7 नस्लों तक रहता है। मर्द अगर सुधरता है सिर्फ मर्द सुधरता है, लेकिन अगर एक औरत सुधरती है तो पूरा खानदान सुधरता है। इसलिए पहले अपनी फिक्र भी करें, लेकिन उसके साथ ज्यादा अपनी घर
क्या है कि वो क्यों नहीं जा सकती, उसकी चार वजूहत है। लेकिन मेन वजह यही है कि हमने उनको दीन नहीं सिखाया होगा, दीनदारी की तरफ उनको दावत नहीं दी होगी, उनको कभी नमाज का हुक्म नहीं दिया होगा, सिर्फ अपने काम करवाए होंगे, अपनी जिंदगी धंधे उनसे नहीं करवाए होंगे, बाकी उनसे कुछ नहीं करवाया हमने। इसलिए इस चीज की फिक्र करें, अपने जो हमारे आसपास के कब्रिस्तान होते हैं, हमारे जो आबा अजदाद गुजर चुके हैं, उनकी कब्रों की ज़ियारत किया करें, उनके हमारे ऊपर हुकूक है, उनको इशारे सवाब पहुंचाने का एहतमाम करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फरमाया कि सुबह भी और शाम भी कब्रों की ज़ियारत करें ताकि आपको मौत याद रहे और गुनाहों में कम फंसे। लेकिन हमने क्या सिस्टम बनाया हुआ है, उनको ये सारे साहब सुबह शाम को क्या भेजे, ईद के मौके पर कभी कोई गया नहीं है। जरा